आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के विभाग बंटे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह बने गृह मंत्री। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने पर पर्वतारोही को राज्य सरकार देगी मदद, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की घोषणा। किसानों के खिलाफ दर्ज प्रकरण होंगे वापस, कहा विधि मंत्री ने। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मुद्दे और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है वो विभाग अपने पास रखे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे। कुछ मंत्री पिछली सरकार में मिला मंत्रालय फिर संभालेंगे। प्रकाश जावड़ेकर नए सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। वे वन और पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे। अन्य मंत्रियों के विभाग हैं डीवी सदानंद देवगौड़ा रसायन और उर्वरक, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम, रामविलास पासवान खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायत, रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, हरसिमरत कौर खाद्य प्रसंस्करण, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास और कपड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान, पीयूष गोयल रेल उद्योग और वाणिज्य, धर्मेंद्र प्रधान प्राकृतिक गैस और इस्पात पेट्रोलियम, प्रहलाद जोशी खनन कोयला और संसदीय कार्य, महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास उद्यमशीलता, अरविंद गणपति सावंत भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम, गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री इस प्रकार हैं: संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार राव, इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना, श्रीपद नाइक आयुष रक्षा, डॉ जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन, किरण रिजिजू खेल एवं युवा, प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन, राजकुमार सिंह कौशल विकास बिजली नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले नागरिक उड्डयन, मनसुख लाल मंडाविया जहाजरानी। राज्य मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश का जो भी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर फतह करेगा राज्य सरकार यात्रा के लिए उसे मदद दे देगी। आज मंत्रालय में कमलनाथ से माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रदेश की पहली दो युवा महिला पर्वतारोही भावना देहरिया और मेघा परमार ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेल और अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया कैट का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और व्यापार व्यवसाय के विस्तार के लिए राज्य सरकार मित्रवत वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि वचन पत्र उद्योगों और व्यापार व्यवसाय के लिए जो वादे हैं सरकार उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश के बाद जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम और मनरेगा के तहत संचालित अन्य जल ग्रहण कार्यों में तेजी आई है। नदी पुनर्जीवन और जल ग्रहण संबंधी सभी कार्य पूरे होने पर वर्षा जल भरने से पहले और बाद में इन कार्यों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। साथ ही हमारे खंडवा संवाददाता ने बात की कलेक्टर विशेष गढ़पाले से। खंडवा जिला में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग सभी जनपदों की सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कई कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए लगभग सभी पंचायतों में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए पोखर या तालाब के निर्माण का भी लक्ष्य रखा था। इस तारतम्य में इस कैलेंडर ईयर में हम लोगों ने 633 पोखर और तालाब के निर्माण कार्य अपने हाथ में लिए थे। मनरेगा योजना का उपयोग करते हुए हम लोगों ने 359 कार्य पूर्ण कर भी लिए हैं और 274 कार्य अभी वर्तमान में प्रगति पर हैं। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि मानसून के पहले हम ये समस्त जल संरचनाएँ पूर्ण कर लेंगे
ताकि ये नवीन 633 जल संरचनाओं में इस बारिश में अच्छा पानी का संचयन हो पाए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। राज्य सरकार पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरणों को वापस लेगी और इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने आज भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदसौर समेत राज्य के कई स्थानों पर किसान आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकार ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 7000 प्रकरण इस तरह के हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रकरणों की जानकारी जुटाकर समीक्षा की जाएगी और फिर इन्हें वापस लिया जाएगा। विधि मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सहित अन्य दलों की नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा वर्ग को सुनिश्चित अवसर मिले। इसके लिए प्रदेश में नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गठित करने पर विचार किया जाएगा। कमलनाथ आज मंत्रालय में उच्च शिक्षा और कौशल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में उन्हें उन फैकल्टी पर विशेष ध्यान देना है जिससे हमारे जवानों को रोजगार मिले। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का पुनर्गठन करने प्रदेश के सभी संभाग और जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रमुख सत्येंद्र यादव की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। यादव ने बताया कि पर्यवेक्षक 10 जून तक अपने रिपोर्ट प्रदेश सेवा दल कार्यालय को सौंपेंगे। हाल ही में सेवा दल की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। उधर प्रदेश कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक 8 जून को भोपाल में बुलाई गई है, जिसमें संगठन से जुड़े विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में जागरूकता रैली निकाली गई और स्कूलों में लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम किए गए। रायसेन में जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। उमरिया के जिला अस्पताल में एक शपथ कार्यक्रम के बाद डॉक्टरों ने रक्तदान किया। शिक्षण संस्थाओं में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डिंडौरी में पुलिस विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। होशंगाबाद में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें स्थानीय नागरिक, युवाओं, महिलाओं और बच्चों सहित सामाजिक संगठनों ने शामिल होकर तंबाकू निषेध का संदेश दिया। मुरैना में मानव श्रृंखला बनाई गई। इंदौर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, नेहरू युवा केंद्र, सखी उद्यमिता विकास और मानव कल्याण संस्थान, नर्मदांचल ग्रामीण विकास संस्थान, एकलव्य युवा मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। खंडवा में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव और बचाव के लिए जन जागृति रैली निकाली गई। छिंदवाड़ा, झाबुआ, नीमच, देवास और शिवपुरी में भी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले में गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए 29 केंद्रों में से 9000 से अधिक किसानों से 3,40,000 क्विंटल से ज्यादा का गेहूं उपार्जन किया गया है। जिला कलेक्टर राजगढ़ निधि निवेदता ने जिले में संभावित बाढ़, जलभराव क्षेत्र, जलाशय बांध और नदी के खतरनाक स्थलों पर कड़ी नजर रखने और पूर्व तैयारियां करने को कहा है। रायसेन में 5 जून को हर्षोल्लास, सद्भाव और शांतिपूर्वक ईद उल फितर मनाए जाने के लिए कलेक्टर SPR मिश्रा ने शांति समिति की बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के विभाग बटे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह बने गृह मंत्री। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने पर पर्वतारोही को राज्य सरकार देगी मदद, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की घोषणा। किसानों के खिलाफ दर्ज प्रकरण होंगे वापस, कहा विधि मंत्री ने। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।